एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत से स्टार्स बिग बॉस का हिस्सा हैं और बहुत से स्टार्स जो बिग बॉस में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी बिग बॉस के घर के बाहर हैं। अब घर के बाहर है तो पेपराजी तो उन्हें स्पॉट करेगी ही। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जब बिग बॉस फेम उमर रियाज और राजीव अदातिया को रिसेंटली जुहू में पेपराजी ने स्पॉट किया तो उन्होंने पेपराजी से क्या कुछ बातचीत की। मेरा सपना तो ऐसा था कि सलमान भाई मेरा हाथ पकड़े और जीते ना जीते वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट वहाँ तक पहुँचना एक ड्रीम फॉर मी। बट नहीं, वो इसमें भी बहुत खुश हूँ। लव्ड इट सो मच, इट्स अ लवली जर्नी। मैं वापस गया अंदर, मुझे बहुत खुशी मिली एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो एंड बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ रिसेंटली राखी सावंत आ गए फिर से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वापस राखी सावंत बाहर निकली है, इतनी बड़ी एंटरटेनर है तो हम भाई अब सर्च इज आउटसाइड, बट क्या करो अभी। वेल, सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे भी सेलिब्रिटीज रिसेंटली स्पॉट किए गए जहां पर उन्होंने बिग बॉस के बारे में बातचीत की, और इन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं अनुष्का सेन। अनुष्का ने क्या बातचीत की आइए आपको दिखाते हैं। बिग बॉस तो मैं उतना फॉलो नहीं कर पाई हूँ, बट थोड़ा बहुत देखा था। फेवरेट मैंने एक्चुअली फॉलो नहीं किया, तो सबके गेम कैसे मुझे पता नहीं है, तो जो भी ऑडियंसेस को अच्छी लगी आई होप वो जीत। आसिम रियाज और उमर रियाज को पेपराजी ने एक बार फिर से साथ में स्पॉट किया और जल्द ही आसिम अपने अपकमिंग सॉन्ग को लेकर आने वाले हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर इस अपकमिंग सॉन्ग को गुनगुनाया। मैं खोलूं मैं सबके राज, रहमत का पहने लिबास, यहाँ कोई नहीं अपना खास, जैसे तू बोएगा वैसे ही खा, याद है अबू की ये अल्फाज, अम्मी की लेके चलूं मैं मिठास, जिनसे संभला तेरा रियाज, इन्हीं के दम पे बना करे अब हमला मेरी आवाज, बने मरहम ये मेरी आवाज, तुझे जो भेजी थी मैंने दुबा। कल बिग बॉस से जुड़े ये सितारे आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स में हमें बताइए एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स।